फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपको ये मोस्ट ट्रेंडी नायरा स्टाइल डिज़ाइनर कुर्ती बनाना बताऊंगी बहुत ही आसान तरीके से। ये कुर्ती आजकल काफ़ी ट्रेंड में है और आप देख सकते हैं ये कितनी स्टाइलिश लग रही है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो कुर्ती बनाने के लिए मैंने 3 मीटर रेयन फैब्रिक लिया है और सबसे पहले हम इसके टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, इस तरह मैंने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और ये इसकी फोल्डेड साइड है। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। तो टॉप पार्ट की रेडी लेंथ है 15 इंच प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन, तो टोटल 16 इंच मैंने टॉप पार्ट की लेंथ रखी है। अब यहाँ पर शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर ले रही हूँ मैं इसके 7.5 इंच और यहाँ से आर्म होल लेंगे, तो आर्म होल भी ले रही हूँ मैं 7.5 इंच। अब इन दोनों निशान को ज्वाइन करते हुए स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और यहाँ से भी इसे स्ट्रेट करेंगे। अब यहाँ पर हमें चेस्ट का चौथा भाग लेना है। चेस्ट है इसकी 38, 38 का चौथा भाग होगा 9.5 इंच, तो 9.5 इंच पे निशान लगाया मैंने। यहाँ पर हमें कमर यानी वेस्ट का चौथा भाग लेना है। वेस्ट है इसकी 32, तो 32 का चौथा भाग लूँगी मैं 8 इंच और साइड में सिलाई मार्जिन रखेंगे एक्स्ट्रा 1.5 से 2 इंच और अब इन दोनों निशान को इस तरह ज्वाइन करेंगे। और अब हम यहां से आर्महोल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये हमारा बैक आर्महोल है और 1/2 इंच अंदर से दूसरा आर्महोल ड्रॉ करेंगे इस तरह। ये हमारा फ्रंट आर्महोल है। अब यहाँ पे नेक की मार्किंग करेंगे। तो नेक की चौड़ाई लूँगी मैं 3 इंच और 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे यहाँ से इस तरह। तो बस मार्किंग हो गई है, अब इसी मार्किंग पे से कट कर लेंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अब इसमें से हम बैक पार्ट को अलग करेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और अब इसका फ्रंट आर्महोल भी कट कर लेंगे। देखिए इस तरह। तो टॉप पार्ट की कटिंग हो गई है, इसमें नेक की कटिंग हम बाद में करेंगे। और अब बॉटम पार्ट के लिए मैंने ये फैब्रिक के 2 पीस लिए हैं। देखिए इस तरह, ये 2 फैब्रिक के पीस है हमारे पास। इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे और अब हम बॉटम पार्ट की लेंथ लेंगे। तो जितनी हमारी कुर्ती की फुल लेंथ हो उसमें से हमें टॉप पार्ट को माइनस करना है। मेरी कुर्ती की फुल लेंथ है 45 इंच, उसमें से मैंने 15 इंच माइनस किया टॉप पार्ट के लिए, तो बचा 30 इंच प्लस 2 इंच इसमें सिलाई मार्जिन लेंगे एक्स्ट्रा, तो टोटल 32 इंच मैंने बॉटम पार्ट की लेंथ रखी है। और बॉटम पार्ट की चौड़ाई है 44 इंच, तो 44 इंच का हमारा पन्ना है। तो ये हो गई हमारी कटिंग। अब हम करेंगे इसकी स्टिचिंग। तो सबसे पहले हम इसका टॉप पार्ट रेडी करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसका हम पहले नेक कट करेंगे। नेक की चौड़ाई है 3 इंच और लंबाई है 6 इंच, तो इस तरह हमने एक बॉक्स बनाया है। अब हम इसमें नेक का शेप ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पर मैं राउंड नेक बना रही हूँ इस तरह और अब इस नेक को कट कर लेंगे। देखिए इस तरह। और अब हम इसके सेंटर में एक लाइन बनाएंगे और अब यहाँ सेंटर में हम ये इस तरह की लेस अटैच करेंगे। तो इस तरह हम यहाँ पर डबल लेस अटैच करेंगे। तो देखिए हमारी लेस अटैच हो गई है और अब ये हमारा बैक पार्ट है, तो इसका हम बैक नेक कट करेंगे। नेक की लंबाई और चौड़ाई 3 इंच रखी है मैंने और इस तरह राउंड नेक बना के इसे कट कर लेंगे और अब फ्रंट और बैक पार्ट को मिला के शोल्डर जॉइन करेंगे। तो इस तरह दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ शोल्डर पे सिलाई लगाएंगे। तो देखिए शोल्डर जॉइंट हो गए हैं। अब हम इसका नेक रेडी करेंगे। तो इसके लिए मैंने ये एक क्रॉस पट्टी ली है। अब इस पट्टी को आगे से फोल्ड करके यहाँ पर रखेंगे नेक पर और पूरे नेक में इस पट्टी को सिलाई लगा के अटैच करेंगे। अब देखिए यहाँ नेक के पास छोटे छोटे कट्स लगाएंगे
पूरे राउंड नेक में। और अब इस पट्टी को इस तरह फोल्ड करेंगे हाफ इंच और ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे। देखिए इस तरह पट्टी को फोल्ड करके मैंने ऊपर सिलाई लगाई है। अब इस पट्टी को हमें बस अंदर की तरफ टर्न करना है इस तरह, और यहाँ ऊपर एक टॉप स्टिच लगाएंगे पूरे नेक में। तो देखिए नेक हमारा रेडी हो गया है, और सेम इसी तरह से मैंने दोनों आर्म होल भी रेडी किए हैं। ये मैंने स्लीवलेस कुर्ती बनाई है, तो मैंने इसमें स्लीव्स नहीं अटैच किए, सिर्फ पट्टी फोल्ड की आर्म होल पे। अब हम इसका बॉटम पार्ट अटैच करेंगे। तो बॉटम पार्ट में हम यहाँ पर प्लीट्स डालेंगे, और अब दोनों साइड हम फिटिंग की मार्किंग को छोड़ के इसमें प्लीट्स डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने दोनों साइड डेढ़ डेढ़ इंच छोड़ दिया है, और अब यहाँ पर हम इस तरह बॉटम पार्ट को रखेंगे और इसमें प्लीट्स डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए सेम साइज़ की हमें छोटी छोटी प्लीट्स डालनी है। यहाँ पर हाफ हाफ इंच की प्लीट्स बना रही हूँ मैं। तो देखिए सारी प्लीट्स मैंने बना ली है, और अब मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ। तो इस तरह देखिए इसकी लुक आएगी, और सेम इसी तरह हमें फ्रंट में भी इसी तरह प्लीट्स डालनी है। तो देखिए फ्रंट पार्ट में भी मैंने इसी तरह प्लीट्स बना ली है, और अब हम इसकी फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो दोनों साइड मैंने फिटिंग की मार्किंग कर ली है, तो यहाँ आर्म होल से या नीचे कमर तक हम इसमें दोनों साइड सिलाई लगाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग कुर्ती में चाक की लेंथ रख सकते हैं, जहाँ तक आपको कुर्ती में चाक ओपन रखना है वहाँ तक आप फिटिंग सिलाई लगा सकते हैं। ये मैं लॉन्ग स्लिट कुर्ती बना रही हूँ, इसलिए मैं सिर्फ कमर तक की सिलाई लगा रही हूँ। तो देखिए मैंने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है। अब हम इसमें चाक फोल्ड करेंगे। तो बस जैसे हम नॉर्मली कुर्ती में चाक फोल्ड करते हैं, सेम इसी तरह दोनों साइड फोल्ड करके हम सिलाई लगाएंगे। तो देखिए मैंने इस तरह इसके साइड फोल्ड कर लिए हैं। अब हम यहाँ साइड में लेस अटैच करेंगे। तो जो हमने नेक में लेस अटैच किए, सेम वही लेस हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो इस तरह हम साइड में लेस को आगे से फोल्ड करके रखेंगे, और यहाँ लेस के दोनों तरफ सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह देखिए मैंने लेस अटैच कर दी है। सेम इसी तरह हमें दूसरी साइड भी लेस अटैच करनी है। तो देखिए दोनों साइड मैंने लेस अटैच कर ली है। तो दोनों तरफ चाक में हमें इस तरह लेस लगानी है। अब हम यहाँ सेंटर में ये लूप लगाएंगे डोरी के लिए। तो आगे से इस लूप को इस तरह फोल्ड करके यहाँ बिल्कुल सेंटर में हम रखेंगे, और यहाँ पर स्टिच कर लेंगे, और बाद में हम इसमें डोरी डालेंगे। और अब हम इसकी बॉटम फोल्ड करेंगे। तो बॉटम से भी बस हमें इसे सिंपली डबल फोल्ड करना है, और फोल्ड करके यहाँ नीचे से सिलाई लगा लेंगे। तो ये कुर्ती बनके तैयार है। जो हमने साइड में लूप लगाई थी उसमें मैंने डोरी डाल के इस तरह लटकन बना लिए हैं।